हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है तुम सब का? आई होप तुम सब बढ़िया ही होगे यार। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत देख लो तुम कहाँ से हो रही है, तभी के ऊपर से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सो भाई, एज यू ऑल नो, पूरे हमारे देश में 3-4 दिन से कितनी तेज़ बारिश थी। सो आज जाके थोड़ी सी बारिश ख़त्म हुई हुई है और मेरी बाइक में एक प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा बहुत ये देख लो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम आ क्या रही है। सो ये मैंने इसे ऑन किया, न्यूट्रल किया, देखो बाइक स्टार्ट है ना। अब नज़र रखना, सुनते रहना, ये देखो, ये देखो मिस कर रही है, ये बंद हो गई। ठीक है, देखा ना तुमने, ये देख लो फ्यूल भी फुल है फिर भी मिस कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मसला क्या है। सो अब सबसे पहले चल के मैं ये दिखाता हूँ मैकेनिक। सो भाई आ गई अपनी दूसरी बाइक भी, BS6 RC 200। अच्छा है, इसको आगे से कराया हुआ है और मेरी बाइक में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, तो अब देखते हैं चल के। सर हेलमेट, वही ना, गिर जाओगे अगर तो सर गिर जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा सा आगे जाके नहीं सर, गिर जाओगे जिम्मे चल जाओगे, कोई चक्कर नहीं, चलें, टेंशन ही नहीं। सो भाई देख लो, खुल गया अपना ये मसला, अब बताते जाएंगे आनंद भाई क्या मसला है इधर। ये मतलब बाहर थी ना, स्पार्क प्लग खुल रहा है। चलते चलते ना, तो भाई चले गए अब एक ट्राई मारे, नंगी नंगी गई है बाइक मेरी। सो मैंने कहा है अभी कि शॉकर भी चेक कर लो, अगला भी पिछला भी, तो वो भी चेक। ये देख लो, ये रही 390, द ड्यूक 390। अभी आपको वाइट दिख रहा है ना, अभी थोड़ी देर में ब्लैक होने वाला है ये। और आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस यहाँ पर। सो गाइस ये रही हमारी आज की राइड्स, एक ड्यूक 390 है और एक अपनी वैनम जैसा तुम जानते हो। सो भाई अभी आ चुके हैं हम ड्यूक पे 390 पे, ये करते हैं इस बीस को स्टार्ट। हाँ हाँ वो तो है, वही मैं जेएनयू में आप ही हो बिना हेलमेट के। ये भी है भाई आपके, तो गाइस चलते हैं। हमारे भाई को आरसी पसंद है और हमको ड्यूक। ये देखो थ्रॉटल खोलता हूँ थोड़ा सा, और ये देखो उड़ने लग गई है भाई। मगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं यार, जितना इसका पावर है ना, जितनी तेजी से ये भागती है उससे ज्यादा जल्दी ये रुकती है, बिकॉज ब्रेकिंग इसका ऑसम है। बस मेरे पास मिरर्स नहीं है ना, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पीछे देखना पड़ रहा है। एक बात है ना, ड्यूक हो आरसी हो, इनमें बहुत ज्यादा पावर दी हुई है और इस हिसाब की बाइक के लिए ना ब्रेकिंग इसकी लाइक ऑसम ब्रेकिंग है यार। आज तुम्हें मैं इसके ऊपर व्हीलीज वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि भाई पावर ही इतनी है ना तुम इसके साथ। तो गाइस जितनी देर में कॉफी आएगी उतनी देर में मैं तुम्हें इसे दिखा देता हूँ यार। ये देख लो, ये है ब्यूटी। शायद भाई मतलब बता नहीं रहा हूँ मैं पूरा श्योर होके, बट शायद ये हमारे पास कुछ देर में आने वाली है। सो देखते हैं क्या सीन रहता है, अगर सब कुछ सही गया तो आ जाएगी, वो भी रहेगी और ये भी आएगी, बट पता नहीं है मुझे कब। बट LEDs देख लो इसके यार। सो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, कर दिया है 20 स्टार्ट, इसकी LCD भी अब ब्लैक हो चुकी है।
भाई भाई इस चीज से पंगा नहीं लेना है, इस चीज से पंगा नहीं लेना भाई। इतनी गंदी मशीन है भाई, इतनी गंदी मशीन है। हो रहा है भाई मजे यार। सो भाई अभी देख लो यहाँ पे लगी हुई है हमारी वेनम और अपना मॉन्स्टर अगला इधर लगा हुआ है। ये देखो वाह भाई, तुम देखो ये कितना ज़्यादा सेक्सी लगता है यार, ये देख लो कितना ही सेक्सी लगता है। तो भाई मैं तुम्हें इसका कुछ दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसी लुक है इसकी रात में, ठीक है ये। और ये देख लो भाई, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है ना, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मेरे को 390 से कितना प्यार है। सो भाई ये देख लो यहाँ पे इसके कुछ ये हैं, तो हम इसको मेन्यू में जाते हैं सर्विस वगैरह का। ये देख लो यहाँ पे ये मोटरसाइकिल वाला जो ऑप्शन आता है ना, इधर आप दबाओगे ना तो यहाँ पे ABS और क्विक शिफ्ट आता है। ये देखो क्विक शिफ्टर का है ये और ये ABS का है, तो आप ABS पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे आपको दो मोड्स आते हैं। रोड मोड है, अगर आपने रोड पे चलना है तो आपका बाइक उसी हिसाब से चलेगा। सुपर मोटो मोड है भाई, भागेगा बाइक और पूरी फुल पावर आपको देगा, मतलब जितना पोटेंशियल है ना सारा टॉर्क इसी में डालेगा, ठीक है ना। तो अभी रोड पे ही रखते हैं हम इसे, क्योंकि हमारे भाई ने वैसे ही चलानी है। तो ऐसा सीन है, ये क्विक शिफ्टर का सीन है। ये देखो क्विक शिफ्टर ऑन है इस टाइम पे, ऑफ भी कर सकते हो आप क्विक शिफ्टर को। इसमें एक और फ़ायदा है, आप ब्लूटूथ से अपना ये कनेक्ट कर सकते हो, अपना डिवाइस इससे ना ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हो पूरा डिवाइस। ये देखो ये ब्लूटूथ है, इधर से आप अपना इस पे तो कॉल्स वगैरह आपको इसके ऊपर ही आएंगी। सो भाई मतलब देख रहे हो कितनी ऑसम चीज़ है भाई, ऐसे ही मैं फिदा नहीं हूँ इस चीज़ पे। और इसका ये जो TFT है इसकी, वाह भाई इसका तो मैं अलग से फ़ैन हूँ। शाम हो रही है, सेक्सी शाम हो रही है आज यार, इस चीज़ के साथ तो सेक्सी शाम होनी बनती है। अपने बीच पे और अब इसकी थोड़ी सी करते हैं स्ट्रेचिंग भाई यार। अभी तक मैं ये चला रहा था ना ड्यूक, और अभी मैं इस पे बैठा हूँ ऐसा लग रहा है ना किसी मतलब जहाज पे बैठा हूँ, एयरप्लेन पे बैठा हूँ।